साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा यह सुनकर के, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लेना बिना लिए बिना निकलिए घर से, खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा।